गुड मॉर्निंग गाइस। तो आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इरेंगल मैप में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं देखी होगी। और हाँ गाइस, मैंने ये वीडियो बनाने के लिए पेलोड मोड का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लोकेशन स्विच करने थे, इसलिए मुझे चॉपर की ज़रूरत थी। तो आप लोग तो जानते हो कि पेलोड मोड का और इरेंगल मैप सेम है, तो ये जो चीज़ें मैं पेलोड मोड में दिखाऊँगा वो इरेंगल में भी होगी, तो उतना मैनेज कर लेना। With this said, let's roll the intro. Fact number 10, wind turbines. मैंने इसको नंबर 10 पे इसलिए रखा है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि जॉर्जिया सिटी के ठीक ऊपर ही आता है। आप स्क्रीन पर इस जगह की लोकेशन देख सकते हो। फैक्ट नंबर 9, लाइट हाउस। ये लाइट हाउस इरेंगल का एक अकेला लाइट हाउस है, इसका कोई गेम में यूज भी नहीं है, इसलिए कोई इसके बारे में जानता तक नहीं है। आप में से जिसको पता हो वो कमेंट में बता दो कि पबजी वालों ने ये लाइट हाउस किस लिए बनाया होगा यहाँ पर। इस लाइट हाउस की लोकेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मैंने इस लाइट हाउस को यूजलेस इसलिए कहा है क्योंकि इस लाइट हाउस के अंदर जाने के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं है। फैक्ट नंबर 8, सीक्रेट टनल। अब पोचिंकी के ये टनल्स तो सबको पता होंगे और आपको ये लगता होगा कि इस जगह पर ये टनल ख़त्म हो जाता है। नहीं भाई, आप गलत हो, इसके पीछे भी एक सीक्रेट टनल है। मैंने वीडियो को स्लोमो कर दिया है ताकि आप लोग इसे ठीक से देख सको। फैक्ट नंबर 7, वाटरफॉल्स। अगर आप पानी में तैर रहे हो और आपके आजू बाजू कोई एनिमी तैर रहा हो तो उसके फुटप्रिंट्स आपको मैप में दिख जाएंगे। तो अगर आपके आसपास कोई बंदा पानी में छिपा हुआ हो तो आप इस चीज़ का फायदा उठा सकते हो। फैक्ट नंबर 6, सीक्रेट स्पॉन लोकेशन। अब बहुत बंदे स्पॉन आइलैंड जाते हैं फ्लेयर गन के लिए, लेकिन पूरा स्पॉन आइलैंड ढूंढ निकालते हैं लेकिन फ्लेयर गन मिलती नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्होंने अभी तक पूरा स्पॉन आइलैंड ढूंढा नहीं है। और वो जगह है इस बिल्डिंग का टॉप। अब यहाँ से जाने के लिए तो ऊपर जाने के लिए रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है, तो इसके ऊपर जाने का रास्ता मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो पीछे वाला टावर है, आपको इसके ऊपर चढ़ना होगा, पूरा ऊपर। यहाँ पर आने के बाद इसके रेलिंग के ऊपर चढ़ने का, साइड में कैमरा करके, और टॉप पे खुद जाने का। और जब भी पूरे स्पॉन आइलैंड में फ्लेयर गन नहीं मिलती, अब इस जगह पर मिलने के बहुत चांसेस होते हैं। जैसे कि अब देखिए, मुझे एक स्मोक ग्रेनेड मिलेगा, मतलब यहाँ पे भी लूट होती है। फैक्ट नंबर 5, मिस्टीरियस मैप। अब नए अपडेट के बाद लॉबी में एक नया बोर्ड आ रहा है जिस पे कि एक ग्राफिटी का साइन बना हुआ है। अगर हम उस पे ग्राफिटी लगाते हैं तो मैप के कुछ पार्ट्स रिवील हो जाते हैं, और अगर पूरे बोर्ड को रिवील कर दे तो एक सीक्रेट मैप आ जाता है। तो कुछ बंदे ये नहीं जानते कि वो मैप किस चीज़ का है, तो अब जो नया अपडेट आएगा 2.0 का, उसमें ये नया एक्स्ट्रा सीक्रेट मैप भी आएगा। वो पूरा मैप मैंने बना के स्क्रीन पर डाला हुआ है, आप देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, इंजनलेस व्हीकल्स। अब बात जो कि इरेंगल की ही चल रही है, तो मैं इरेंगल की गाड़ियों के बारे में बताऊंगा। अब डासिया, यूएस और बग्गी, इन दोनों में से डासिया और यूएस में इंजन ही नहीं है। देख लो भाई, डासिया दिखा दी, यूएस में भी देख लो, यूएस में भी इंजन है, पूरा बोनट खाली है दोनों का। बस बग्गी में इंजन है क्योंकि उसका इंजन ओपन होता है। फैक्ट नंबर 3, टायर्स आर यूज़लेस। ये फैक्ट किसी के काम का तो नहीं है, लेकिन एक जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा कि इरेंगल की सारी गाड़ियाँ अगर
चारों के चारों टायर या मोटरसाइकिल के दोनों टायर फूटे हो तो भी चलती है। सिर्फ उसको एक्सेप्शन है वो डासिया। मोटरसाइकिल तो मैंने आपको दिखा दिया, बग्गी देख लो, बग्गी भी चलती है। हाँ, धीरे धीरे चलती है, इसलिए तो मैंने कहा कि आपकी किसी काम के नहीं, लेकिन चलती है। डासिया ट्राई करेंगे, डासिया जगह से हिलती तक नहीं, फुल बूस्ट पे डासिया मैंने लगाई हुई, नहीं हिलती है। सिर्फ डासिया ही चलती क्यों नहीं है चारों टायर फोड़ने के बाद, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इस वीडियो में मैंने मिराडो भी ले ली है, मैंने सोचा उसे तो भी क्यों छोड़ना, इसलिए मैंने उसको भी इंक्लूड कर लिया, लेकिन उसने सरप्राइज दे दिया। मिराडो बिना टायर के फास्ट चलती है सारी गाड़ियों से। अब यूएस की बारी, यूएस भी चलती है, इसको एक्सेप्शन सिर्फ डासिया है। साउंड के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना, सॉरी गाइस। फैक्ट नंबर टू, सीक्रेट डोर। अब कई बंदे जो है स्पॉन आइलैंड के इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस दरवाजे के पीछे क्या है। आप देख सकते हो इस दरवाजे के पीछे कुछ नहीं है। फैक्ट नंबर वन, लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग इज अ हार्ड प्रोसेस। इससे पहले के सारे फैक्ट्स झूठे निकल सकते हैं, लेकिन ये फैक्ट कभी भी झूठ नहीं हो सकता। फैक्ट ये है कि इस वीडियो पे 30 से ज़्यादा लाइक आ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर वीडियो पसंद भी आए तो आप लाइक तो करोगे नहीं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि आपको तो लगता है मैं कुछ मेहनत ही नहीं करता, दो दिन से सिर्फ भजिया तल रहा हूँ, वीडियो अपने आप बन चुकी है।